बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे। ये मैंने ट्रोज़र लिया है, इसके पौंचे पे मैं डिज़ाइनिंग करके दिखाऊंगी आपको। ट्रोज़र की चौड़ाई मैंने 8 इंच रखी है। इस पर डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने बुकरम का पीस लिया है, 3 इंच इसकी चौड़ाई है। ये हल्की सी मैंने डिज़ाइनिंग की है। इसी तरह से मैं सारे पे डिज़ाइनिंग करके दिखाऊंगी। दरमियान में मैंने 1 इंच पे ये लाइनें ड्रॉ की हैं, दरमियान इसका 1 इंच है और 1-1 इंच साइडों पे छोड़ दिया। दरमियान से मैंने 1.5-1.5 इंच रखा है और 1.5 इंच को इस तरह से फोल्ड करके ये वाला साइड वाला निशान मैंने लगाया और यहाँ से मैंने 1.5 इंच रखा है, यहाँ से भी 1.5 इंच रखा है। 1.5-1.5 इंच पे निशान लगा लूंगी पहले। निशानों पे तिरछी लाइंस ड्रॉ कर लूंगी। ये सारी लाइंस मैंने ड्रॉ कर ली हैं, अब मैं इस पर कटाई कर लूँगी। ये दोनों पीस मैंने तैयार कर लिए, इनके नीचे ये वाला कपड़ा अटैच करूंगी। इस कपड़े की चौड़ाई मैंने रखी है 3.5 इंच। पहले मैं पांचा फोल्ड करूंगी। डेढ़ इंच चौड़ा मैंने पांचा फोल्ड कर लिया। ये निशान मैंने 1.5 इंच पे लगाया, ये भी निशान यहाँ पे 1.5 इंच पे लगाऊंगी और 1 इंच पे यहाँ पे निशान लगाऊंगी। और यहां से पकड़ के बारीक सिलाई लगा लूंगी इस तरह से। इसी तरह की यहाँ से पकड़ के ये वाली सिलाई भी लगा लूंगी। 1.5 इंच पे मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया, अब यहाँ से पीस अलहदा कर लूंगी। अब इस बुकरम के पीस को इस पे पेस्ट करूंगी। ये जो अजाफी पीस है इधर इस साइड से इस तरह से निकाल लूंगी। दोनों साइड से बराबर कर लिया मैंने। अब मैं इसे उल्टा रखते हुए इस पीस को इसके ऊपर अटैच कर दूंगी। इस पीस को इसके ऊपर पेस्ट कर लूंगी। अब मैं यहाँ पे कट लगा लूंगी इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरीके से सेट कर लेना।
इस तरह से। इस तरीके से मैंने इसे सेट कर लिया। अब मैं इस पीस पे से अटैच कर लूँगी। अब इस पीस को इसके ऊपर अटैच कर लूँगी इस तरह से, एक इंच यहाँ से छोड़ के नीचे पीस अटैच करूँगी। पांचे की चौड़ाई 7 इंच रखूँगी, यहाँ पे सिलाई लगाऊँगी। ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग मुकम्मल हो गई है दोनों साइड इस तरह से तैयार हुए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।